हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस साधना। सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जीके का जो सेक्शन रहता है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट भी साबित होता है। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीडीएस सेकंड 2022 एग्जामिनेशन के लिए जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो। इसमें हम केवल और केवल जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करके और 50+ मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं केवल और केवल जीके के सेक्शन में। इसमें इंग्लिश एंड मैथ्स के बारे में बात नहीं करूँगा। ये वीडियो IIM, AFA, IIN, OT सभी स्कीम्स के लिए यूजफुल होने वाली है। मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये। आपको क्या करना है कि इस वीडियो में बने रहना है लास्ट तक और जानना आपको कि किस तरीके से मैंने 50+ 60+ इस तरीके से अपने कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में स्कोर किया जनरल नॉलेज में। वही बातें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने फॉलो की हैं। इस वीडियो में हम ओवरऑल इन सभी चीज़ों को जानने वाले हैं, जैसे सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या रहता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का, कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, क्रैश कोर्स और आपका टारगेटेड स्कोर क्या रहना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी CDS से रिलेटेड आपकी अपडेट होगी आपको वहाँ पर मिल जाती है और डेली करंट अफेयर क्विज भी आपको प्ले करने के लिए वहाँ पर मिलती हैं। क्रैश कोर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो रहता क्या है कि IIM, IIN और एयरफोर्स के लिए क्या रहता है, तीन पेपर होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। लेकिन OTA के लिए केवल दो पेपर्स होते हैं, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज दोनों ही स्कीम्स में लगभग शामिल है, इसी वजह से इसी के बारे में बात करेंगे। ये क्या 100 मार्क्स का होता है ये पेपर और 2 आवर्स इसके लिए मिलते हैं और इसमें टोटल 120 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपसे। 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं जीके के। अगर UPSC की बात करें तो उसने सिलेबस को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि जीके में क्या क्या होगा, करंट इवेंट्स होंगे, मतलब करंट अफेयर होगी। उन्होंने हाईलाइट करके सबसे पहले दिया कि करंट अफेयर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं। कौन सी करंट अफेयर होगी, करंट इवेंट्स शामिल होंगे नेशनल एंड इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। बाकी क्या होगा, बाकी उस तरीके का पेपर होगा जो एक एजुकेटेड पर्सन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हो गई, साइंस, जनरल साइंस जो आपकी होती है डेली यूज में जो आती है वो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, पॉलिटी, इकोनॉमी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस है नहीं, तो फिर हमको सिलेबस इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं दिया हुआ है तो हम तैयारी कैसे करेंगे, तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। हमारी अप्रोच रहनी चाहिए कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं और वहाँ से जानें कि ये जो सिलेबस दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, UPSC इस सिलेबस से कहना क्या चाहती है। उन्होंने एक बार हमें जो बताया है फिर उसको जब उन्होंने अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया है तो उससे रिजल्ट क्या निकल के आया है, तो उसको जब एनालाइज करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, इंडियन पॉलिटी के होते हैं, इंडियन हिस्ट्री के होते हैं, जियोग्राफी, इकोनॉमी, अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी से क्वेश्चंस होते हैं जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में मेनली आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रहते हैं और कुछ जीके के क्वेश्चंस भी रहते हैं जो कि आपके आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हो गए और भी कई सारे मिसेलनियस क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, एक तो आप हमारी ऐप से पढ़ सकते हैं, डिफेंस साधना एजुकेशन ऐप पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये एक बुक आती है अरिहंत की, सॉल्व पेपर की, चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज इसमें सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन रहता है इस बुक को, इस बुक को आप परचेज कर लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर आपको कोई भी बुक परचेस नहीं करनी है, किस तरीके से क्रैश कोर्स के थ्रू आप प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, लेकिन अभी जानते हैं कि सेल्फ स्टडी के लिए कोई भी कैंडिडेट किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और 50+ मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि जैसे 120 क्वेश्चन रहते हैं, अब 120 क्वेश्चन को लगभग सेम वेटेज रहता है, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी से मानिए कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने ये 6 सब्जेक्ट ओवरऑल लगभग यहाँ पर लिख के दिए आपको, तो हर एक से 20 क्वेश्चंस मान के चलिए, लेकिन जनरल साइंस से क्या रहेगा कि हर बार 25 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो 5 क्वेश्चन इधर ऐड हो गए। यहाँ से ऑन एन एवरेज इंडियन पॉलिटी से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, हिस्ट्री से भी 20 और जियोग्राफी से 18 to 20 हो जाते हैं, और उसी तरीके से करंट अफेयर से भी तो 20 to 25 भी कभी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल वेटेज रहता है पूरे के पूरे पेपर का, जीके के पेपर का। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो एक तो हो गया करंट अफेयर और एक हो गया जनरल साइंस, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है जनरल साइंस के एंड करंट अफेयर। तो मैं अपनी प्रिपरेशन में इन दोनों सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकता हूँ, बाकी इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री को जब हम डिवाइड करेंगे डिटेल में इसके बारे में देखेंगे तो जानेंगे कि हम स्ट्रेटजी क्या बना के चलेंगे।
तो थोड़ा सा उस बारे में देख लेते हैं। साइंस से क्या पूछा जाएगा? जनरल साइंस को मैं तीन सेक्शन में डिवाइड करूंगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स से पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स से पूछ लिए जाते हैं, और इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रेविटेशन से, ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स में जैसे रिफ्लेक्शन, इमेज किस तरीके से बनती है, रिफ्लेक्शन वेव क्या रहती है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। थर्मोडायनामिक्स के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं। और लेवल क्या रहेगा इनका, लेवल रहता है 9th एंड 10th के लेवल का, इससे अप नहीं जाता है लेवल जनरल साइंस का कभी भी। केमिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूछ लिया, जैसे नेचर ऑफ मैटर, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल एंड एटम्स के बारे में, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाइड्रोकार्बन्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उस रिलेटेड थ्योरीज क्या है, क्या उसके एप्लीकेशन है, मेनली क्या है एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें जनरल साइंस में आपसे पूछी जाती हैं। बायोलॉजी में जैसे प्लांट किंगडम हो गया, अब यहाँ पर सेल, टिश्यू, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएंगी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से जैसे ब्लड ग्रुप, विटामिन डेफिशियंसी, डिसीजेस क्या हैं उससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जनरल। अब ये सभी चीज़ें पूछी जा रही हैं और उनका लेवल है 9th एंड 10th तक का, तो हम रिसोर्स क्या फॉलो करें, आपको केवल और केवल NCERT क्लास 9th की एंड क्लास 10th की NCERT फॉलो करनी है, और आपके 25 क्वेश्चन जो है यहाँ से पक्के हो जाएंगे, केवल यही रिसोर्स आपको फॉलो करना है। हिस्ट्री की बात करता हूँ तो एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न तीन में डिवाइड कर दूंगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो मॉडर्न से पूछे जाएंगे, अराउंड 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछ लिए जाते हैं। मेडिवल से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और एंशियंट से भी 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कम से कम। इस तरीके का वेटेज रहेगा हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री में पूछा क्या जाएगा, एंशियंट एंड मेडिवल से मेनली पॉलिसी, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्किटेक्चर वहाँ का किस तरीके का था, हिस्ट्री में किसी एक पर्टिकुलर एरा का, किसी एक पर्टिकुलर जो भी क्लैन रहे उनके, उनका ये पूछ लिया जाएगा। जैसे मौर्य का आर्किटेक्चर के बारे में, इनकी इकोनॉमी किस तरीके से फॉलो करती, काम करती थी, तो इन सारी चीज़ों को पूछेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, वैदिक लिटरेचर किस तरीके से काम किया, वैदिक कल्चर के बारे में आएगा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के बारे में भी उसी तरीके से, क्या किसी सम्राट की जो पॉलिसी रही एम्परर की, ये सारी चीज़ें। मुगल एम्पायर के बारे में मेनली अकबर पर फोकस किया जाता है और वहाँ का आर्किटेक्चर पर फोकस किया जाता है, इस तरीके की चीज़ें। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर रिवोल्ट 1857 का और बाकी की जो रिवोल्ट हुए उन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। कांग्रेस, उसका फॉर्मेशन किस तरीके हुआ, उससे पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलती थी कांग्रेस से पहले, और कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस के सेशन हुए, वहाँ पर क्या डिसीजन लिए गए, इन सभी के बारे में हाईलाइट्स रहता है। गांधी जी के बारे में, उनकी पूरी जर्नी, किस तरीके से उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, लोगों को इंस्पायर किया, इन सारी चीज़ों के बारे में पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके लिए एंशियंट एंड मेडिवल आप स्किप भी कर सकते हैं, आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, जो कि आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम से। यहाँ से आप कांग्रेस, गांधी, नेशनल मूवमेंट, ट्रीटीज, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, ट्राइबल मूवमेंट, उनके लीडर कौन से थे, वो कौन से ईयर में आए, कौन से रीजन में हुए वो मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रही, नेशनल मूवमेंट में उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, सोशल रिफॉर्म, कौन सा रिफॉर्म कौन सी पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है, ब्रिटिश क्या क्या लेजिस्लेशंस लेके आई, इस तरीके की चीज़ें आपसे हिस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इंडियन पॉलिटी की बात करता हूँ तो जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से एक्ट आए ब्रिटिश के जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद की, प्रीएम्बल से, सिटीजनशिप से, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर में ये सेंटर का भी हो जाएगा और स्टेट का भी हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव में स्टेट का भी हो जाएगा और सेंटर का भी हो जाएगा, जुडिशियरी में हायर एंड लोअर जुडिशियरी भी हो जाएगी, लोकल गवर्नमेंट में भी पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी UPSC है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, अमेंडमेंट्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं इंडियन पॉलिटी में। इसके लिए आपको क्या करना है, इंडियन पॉलिटी की बुक आती है एम लक्ष्मीकांत सर की, इसे आप फॉलो कीजिए, 6th एडिशन आपको लेना है, एकदम लेटेस्ट। इस बुक का Part 1 से लेकर Part 5 तक आप पढ़ लीजिए। अब मैं चैप्टर नहीं कह रहा हूँ, ये पार्ट हैं, पार्ट को डिवाइड किया हुआ है, तो उस तरीके से Part 1 से लेकर Part 5 तक आपके लिए मैंडेटरी है। उसके अलावा आप क्या है, अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, स्कड्यूल्स और करंट में जो भी टॉपिक चल रहा है उसको पढ़िए।
एक्ट्स एंड चार्टर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसबीज, ये तो कोर सब्जेक्ट है, कोर टॉपिक्स हैं एक्चुअली पॉलिटी के। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी को भी मैं लगभग तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडिया के बारे में, जैसे इंडिया की फिजियोग्राफी क्या है, क्या एक्सटेंशन है इंडिया का, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, ड्रेनेज पैटर्न क्या है इंदस का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, इनकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। डिजास्टर कौन कौन से एरिया में प्रोन डिजास्टर, जैसे ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, साइक्लोन्स हो गए। लोकेशन क्या है इंडस्ट्रीज की, ये भी इम्पोर्टेंस रखता है एग्ज़ाम में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर देखें तो मैप, रिवर, फिजिकल फीचर्स जैसे साइक्लोन, वॉलकैनोज, रिफ्ट वैलीज, इन इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ, विंड, ओशियंस, ओशियंस में ओशियन करंट पूछे जाते हैं आपसे, वेदर, इरीगेशन, इंडस्ट्री, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करता हूँ तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड समिट्स के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको रिसोर्स कौन सा फॉलो करना है, क्लास 11th की तो एनसीईआरटी है, ये फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 11th की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, आप केवल इसी को फॉलो कीजिए। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी है, फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th की, केवल यही दो बुक आपको फॉलो करनी है। इससे अलग दो तीन क्वेश्चंस छूट जाएंगे ज्योग्राफी के, जो कि आपको 12th की एनसीईआरटी में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको दो बुक पढ़नी होंगी जिसमें आपसे दो से तीन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और ये दो बुक पढ़ने से आप 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि केवल आपको ये 11th की एनसीईआरटी ही पढ़नी है, 12th की आप स्किप कीजिए। इकोनॉमी की बात करते हैं, अब मैंने कहा था कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, आप केवल और केवल इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी फंक्शन करती है, जैसे नेशनल इनकम क्या होती है, ये क्या फंडामेंटल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये इकोनॉमी के। नेशनल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से काम करती है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी इकोनॉमिक कर्व दिए हुए हैं, लॉरेंज कर्व, ईटीसी, इस तरीके जो भी कर्व होते हैं, बैंकिंग, बैंकिंग में रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, ये सब, एमएसएफ किस तरीके से काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, किस तरीके से फंक्शन करती है, ये सारी चीज़ें, आरबीआई एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी है। इकोनॉमी में पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट की हैं, उनको, प्रोग्राम्स जो भी गवर्नमेंट के हैं, उनको भी जानना जरूरी है इकोनॉमी में। कहाँ से आप इस बेसिक को सीख पाएंगे इकोनॉमी का, इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बुक आपको फॉलो करनी है केवल और केवल, इससे आपका इकोनॉमी का जो भी सेक्शन रहेगा सीडीएस के लिए वो कवर हो जाएगा, बाकी जो है वो करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है, जो कि मैं कवर कराता हूँ। इकोनॉमिक्स ये जो बुक है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है, आपको केवल यही फॉलो करनी, बहुत छोटी सी बुक है ये। लास्ट सेक्शन रह गया है करंट अफेयर का, करंट अफेयर में बात करें तो गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछी जाती हैं, करंट इश्यूज़ जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हैं वो पूछे जाएंगे, कोई भी पर्सन अगर न्यूज़ में हैं, इम्पोर्टेंट हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर होंगे, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, साइक्लोन्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, करंट डेवलपमेंट्स जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, चाहे वो डिफेंस के फील्ड में हो, या फिर वो स्पेस के फील्ड में हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, उस तरीके की चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। आर्म्ड फोर्सेस की बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। करंट अफेयर के लिए या तो आप मेरी यूट्यूब की सीरीज फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह पर आपको कंपाइलेशन मिल जाए करंट अफेयर के नोट्स का, तो आप मेरा एक प्रोग्राम में करंट अफेयर के लिए नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ, तो इसमें भी आप एनरोल करा सकते हैं। जानकारी लेने के लिए डिटेल में इस बारे में आप 8477850042 इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अब क्या है, अब बात करेंगे कि जो आपका टारगेट है वो किस तरीके से रहना चाहिए। ये तो मैंने बता दिया कि एक ओवरव्यू है, ये डिटेल सिलेबस है, आपको किन किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। जैसे साइंस को आप सबसे पहले तैयार कीजिए, इससे 20 क्वेश्चंस आपके कम से कम हो जाएंगे। पॉलिटी को सेकंड, आपके 15 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आप, उसके बाद आएंगे करंट अफेयर पर, तो यहाँ पर भी आप 20 क्वेश्चंस अराउंड सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद अगर मैंने जैसे कहा कि यहाँ इंडियन हिस्ट्री में मैंने कहा आपको केवल और केवल मॉडर्न को ही प्रिपेयर करना है, तो
कम से कम 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, और अराउंड 10 क्वेश्चंस आप इजीली उन दो बुक को पढ़ के सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में जियोग्राफी से। इकोनॉमी अगर आप कवर करते हैं तो अराउंड 5 क्वेश्चन तो इजीली आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि ये सभी सब्जेक्ट्स को आप कवर ना करें, इनमें से एक दो सब्जेक्ट आप ऐसी रखें जिसे आप स्किप कर सकते हैं, और उसे अगर आप स्किप करेंगे तो आपका क्या सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मानिए कि मैंने इन 3 सब्जेक्ट को स्किप किया, हालांकि आपको 3 नहीं करनी है, लेकिन मैं जैसे ही इन 3 सब्जेक्ट को मैं स्किप कर देता हूँ तो मेरा सिलेबस जो है वो 50% तक रिड्यूस हो जाता है। आपको कोई से 2 सब्जेक्ट को जो है एलिमिनेट कर देना, जैसे हिस्ट्री में से आप लगभग आधा रिड्यूस कर चुके हैं तो आप जियोग्राफी या फिर इकोनॉमी किसी एक को रिड्यूस कर लीजिए। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको इतनी पढ़ाई करनी है कि उसके 90% ऑफ द क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। CDS का जो पैटर्न है ना वो लगभग सेम ही है सालों से। आपको पता रहेगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आपने इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है या फिर आपने यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेप्थ में एनालाइज कर लिया है तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हर साल सेम तरीके से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ तक क्या है आपके 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं और कोई से 2 सब्जेक्ट को आप स्किप कर रहे हैं तो ये आपका 50+ मार्क्स का जो है वेटेज बन रहा है जो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 120 क्वेश्चन टोटल होते हैं तो इसका 50% 60 हुआ और 50 मार्क्स आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब एक तो आप कर सकते हैं इसके लिए सेल्फ स्टडी। पहले क्या कीजिए कि इन सभी जो भी मैंने आपको बताई हैं बुक्स फॉलो करने के लिए उन बुक्स को पढ़िए। फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, पहली रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। सेकेंड रीडिंग तब आप करेंगे तब आप नोट्स बनाएंगे, और नोट्स उस तरीके से बनाएंगे कि तीसरी रीडिंग आपकी बुक की नहीं होनी चाहिए, तीसरी रीडिंग आप केवल नोट्स पढ़ के ही करेंगे। एकदम क्रिप्स तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं कि एग्जाम टाइम पर उन नोट्स को आप 1 हफ्ते में रिवाइज कर पाएं पूरे के पूरे जनरल नॉलेज के सेक्शन को, उस तरीके के नोट्स आपको बनाने। क्रैश कोर्स भी है, और ये जो क्रैश कोर्स है इसकी कॉस्ट इतनी है कि आप टोटल बुक्स को अगर आप परचेज करने जाते हैं जो भी मैंने आपको बुक्स बताई हैं उनसे भी कम कॉस्ट में आपको ये कोर्स एनरोल करने के लिए मिल जाता है हमारे डिफेंस साधना एजुकेशन ऐप पर। इसमें मैं क्या क्या कवर कराऊंगा, GK एंड इंग्लिश। तो ये OTA का तो कंप्लीट कोर्स है, लेकिन IMA AFA के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो मैथ्स के लिए अलग से सेक्शन रहेगा। इसमें मैं GK एंड इंग्लिश को आपको कवर कराऊंगा और लेटेस्ट UPSC पैटर्न को फॉलो करते हुए स्पेशल फोकस दूंगा मैं प्रैक्टिस पर, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा सकूँ जिससे कि आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है वो आपको आए। वीडियो सॉल्यूशन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, आपको एकदम आपके एग्जाम से फेमिलियर करा दूंगा, इतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा, आपके दिमाग में बिठा दूंगा कि आपका एग्जाम आपसे मांग क्या रहा है। जब भी आप वीडियो देखने जाएंगे आपको उस तरीके से लगेगा कि ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, सर ने पढ़ाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। टेस्ट सीरीज भी होगी, 200+ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं इस कोर्स में, और मैं अपडेट कर रहा हूँ इस कोर्स को, अभी ये रनिंग है कोर्स, इसमें डेली बेसिस पर लेक्चर इसमें अपडेट होते रहते हैं। कंप्लीट कोर्स अभी प्रिपेयर नहीं किया है मैंने, क्यों? क्योंकि मैं एग्ज़ाम की डिमांड को देखता रहता हूँ। करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी उसमें अपलोड कर दूंगा, तो करंट इश्यू में जो भी चल रहा होता है स्टैटिक में उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस देके समझा देता हूँ। इसी तरीके से इसमें डेली बेसिस पर लेक्चर्स ऐड होते रहते हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो मुझे 8477850042 इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं करंट अफेयर कोर्स के बारे में भी, और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। आपको इस पर 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा अगर आप GET20 कोड का यूज़ करते हैं। GET20 कोड का यूज़ करेंगे आप तो आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा इस सेम कोर्स पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।